नमस्कार। देखिए, बिहार दरोगा की बात कीजिएगा तो उसका क्लियर हो चुका है कि अब दरोगा का वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी दिनों से इंतजार था वैकेंसी आएगा, लेकिन मंजूरी बिहार में 1288 दरोगा का बहाली आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा डिटेल्स में देखते हैं, किसके लिए कितना पोस्ट है, महिलाओं के लिए कितना पोस्ट है। चलिए, राज्य में 1288 नए दरोगा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने 1288 पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दे दी गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय मंगलवार तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज देगा। ठीक है, मंगलवार तक भेज देगा। इसके बाद आयोग के स्तर पर विज्ञापन होगा। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में बताया कि गृह विभाग से आरक्षण रोस्टर स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। 1288 पदों में 13 खेलकूद के लिए है, जो खेलकूद कोटे से आते हैं उनके लिए भरे जाएंगे। यह कुल पद की बात कीजिएगा तो 1% है, जितना पद है उसका 1% खेलकूद के लिए है, 13 पोस्ट। ठीक, वहीं 1288 में 35% यानी कि 455 पद की बात कीजिए तो महिलाओं की भर्ती होगी इस पर। ठीक है, और 455 पर महिलाओं की भर्ती होगी, और खेलकूद कोटे से सीधे नियुक्ति के बाद शेष 1275 जो बचता है उस पर बहाली के लिए अधियाचना 24 घंटे के अंदर आयोग को भेज दी जाएगी। आयोग के विज्ञापन में बहाली की शर्तें का उल्लेख होगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें। ठीक है, एडीजी ने बताया कि 21,391 पद की सिपाही बिहार पुलिस की भर्ती जो है उसकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो यानी कि अब कुल मिलाकर 1288 पोस्ट, यानी कि 13 तो खेलकूद से है, 1275 यहाँ पे हो जाएगा दरोगा का लास्ट। फाइनली आपको वैकेंसी आने को मिल जाएगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, धन्यवाद।